ईसा मसीह के अनमोल वचन प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा। उनकी प्रशंसा होगी, उनको जो खुद की प्रशंसा करते हैं, उनको विनम्र किया जाएगा, और जो खुद को विनम्र करते हैं, उनकी प्रशंसा होगी। यह है सबसे बड़ा सत्य। मैं आपको एक सच बताता हूँ, एक अमीर व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने से आसान काम तो ऊंट का सुई के छेद से निकलना है। लोगों को ऐसे जीना चाहिए। ईसा मसीह ने बताया कि लोगों को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि प्रभु के मुख से निकलने हर एक वचन के मुताबिक जीना चाहिए। मेरा साम्राज्य कहीं और है, मेरा राज्य इस संसार में नहीं है। अगर होता तो मेरे सेवक मेरी गिरफ्तारी रोकने के लिए यहूदियों से लड़ते, पर मेरा साम्राज्य कहीं और का है। एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। एक दूसरे से प्रेम करो, दुश्मन से प्रेम करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि दुश्मनों से प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुमको सताते हैं। उससे तुम उस पिता की संतान बन जाओ तो स्वर्ग में है वह अपना सब बुराई और अच्छाई दोनों पर डालता है, और न्यायी व अन्यायी दोनों पर अपनी वर्षा करता है। तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए, तुम्हें व्यभिचारिता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चुराना नहीं चाहिए, तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए, और अपने पड़ोसी को अपना समझकर प्रेम करना चाहिए। ऐसे आपको मिल जाएगा स्वर्ग का खजाना। अगर आप एकदम सही होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति को गरीब में बांट दो, तुम्हें स्वर्ग का खजाना मिल जाएगा। अपनी आत्मा को खोने की पीड़ा उस व्यक्ति को भला क्या फायदा जिसे अगर पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन अपनी आत्मा को खोने की पीड़ा सहनी पड़े। प्रभु सबको आशीष करे सुने जाने पर और